सब दोस्तों का राम राम पहुँचे बुंदेलखंडी ब्लॉगर नेहा की वीडियो में आप सब जन को बहुत बहुत स्वागत है। और अनमोल और अनमोल के पापा आज काम कर रहे और काम है बहुत ज़रूरी। कैसे अब गर्मी अच्छी खासी पड़न लगी तो इनकी ज़रूरत पड़न है तो निकाल रहे थे जी दोया ने कूलर और तय पर हम जो सामान जो किचन की स्लिप में रखने तो वो रखवा दे रहे और जो अनुतान है वो तो आए ले रहे और तय पर जो डिब्बा है तो इन्हें एक सिला हुआ दे रहे। तो इतने पे हम अपनों काम निपटा जा रहे हैं, अनमोल और उनके पापा निपटा रहे हैं तरफ की और भी कह रहे जितने भी ज़रूरी काम हो नसैनी वाले भी निपटवा लूँ। कैसे नसैनी थोड़ी भारी हो जाती ना तो उतारे में दिक्कत हो तो निपटाने में दिक्कत हो तो अब जितने काम हमें ध्यान है अभी तो हमने दिमाग में सोच के रखे कि आज ये काम निपटवा लेने। और फ्रीजर रख गए तो साइकिल और गैलरी अच्छी से साफ़ नहीं हो पा रही थी तो हमने कहीं नीचे थर्माकोल लागू रहें हम लोग ने तो इस वजह से हमने चलो थोड़ी नीचे एरिया में धो ले रहे और गेट के पास टंगो ना स्टैंड तो आए दिन इतनी ज़्यादा धूल निकला चप्पलन में और डस्ट बहुत ज़्यादा रहे। और अनमोला भी बस की यूज हो तो और इनके पापा की हमारे तो यूज कम हो तो ऐसे हमें तो अब अंदर रहने और सर्दियों में हम अंदर स्लीपर पहने रहते तो बेवाली भी हमने धोके यही में रख दी थी तो उनमें भी काफ़ी धूल हो गई तो अब साफ कर ले रहे उन्हें और इतने पर इतनी एरिया में धो दे हैं और बाहर भी धो दे हैं। लोग ऐसे कोई भी थोड़ी बहुत काम करें सामान उठाएं रखें वाले तो जो लगा कि सीधे धो दो इस धोए से कहा है अच्छे से साफ भी लगाने लगा तो बिल्कुल मन भर जाता। अब ऐसे पहले अपन लोग झाड़ो फिर पोंछा लगाओ ज़्यादा धूल डस्ट हो फिर ऊ के बाद देखो धब्बा धब्बा से हो जाती है फिर दो तीन बार लगातार जल्दी जल्दी पोंछा लगा तो इस चक्कर में हमें धो वो ही सही लगा तो पूरे घर का फिर धो दो तुम। और इतने जीना पहले हमने धोएँ की सोची फिर सोची झाड़ दें तो झाड़े के बाद फिर धो भी है तू और इतने पे लग गए जो कूलर और मैं हिसाब बना रहे कि ऐसे में हवा चल लगे तो पहले सेट कर ले रहे फिर एक बार चला के देखें फिर उसके बाद पानी की व्यवस्था देखें। और जो कूलर कमरा मेरा खुद तो इमें इतनी ज़्यादा धूल डस्ट निकल रही थी तो जी कह लगी हम बाहर ले जा रहे नहीं तो तुम्हें दिक्कत हुई है तो इन्हें बाहर अच्छे से झड़ा दो फिर अंदर आके धो भी दो तो टटिंग का और जो रखो सब आइटम खोलो इतने पे अब कूलर धो के आ है लग जे है फिर उसके बाद देखो चारों तरफ ठंडक हो जाने। सब दोस्तों का राम राम पहुँचे बुंदेलखंडी ब्लॉगर नेहा की वीडियो में आप सब जन को एक बार फिर से स्वागत है। और
आज बहुत सारे काम कर रहे, थक गए, जैसे वाइफर वगैरह भी साफ कर रहे, किचन को भी, और जो कमरा वमरा में डूबे और पोंछा, मतलब अलग अलग सब बहुत काम निपटा लो आज, और भगवान जी भी साफ कर दे, मंदिर भी साफ कर दो। और अब देखो मतलब अभी के पापा से पूछ रहे कि क्या बनाने, तो फिर वही हिसाब से प्रोग्राम बना है। और अब लेट हो गए तो सोच रहे जल्दी वालों का छू आइटम बन जाए तो वही बना ले, पहले थकानी बहुत हो गई। और आज मौसम, पहले सुबह तो बादल आते, थोड़ी पानी भी बरस गया, अब अच्छी खासी धूप निकल आई तो गर्मी सी भी लग रही, तो जो है कि बनाना खाना तो है ही, वाली आँख में खुजली मच रही। और बस चलो अब इनसे पूछ पाछ ले, फिर कछु बना है और लाइट बंद कर दे, कैसे अब दिन है, कछु जरूरत नहीं है लाइट की। और आज थोड़ी बहुत कपड़ा रखे थे प्रेस के तो बेबी निपटा ले, आज धीरे धीरे करके कुल काम निपट गया, और मन में हल्को महसूस हो रहा, कैसे दिमाग में काम रह तो बहुत है लेकिन टाइम निकल जाते हैं, टाइम हो नहीं और काम बहुत हुए तो मन में चिड़चिड़ाहट भी मचे, तो आज सब काम जो हमारे दिमाग में चल रही थी भी ज़्यादा से ज़्यादा हमने निपटाने की कोशिश करी। और ये साड़ी आड़ी सही से लगाए दे रहे, और वैसे प्रेस में हमारी एक ही साड़ी अती आ जाए वाली तो वो ही ले आए, और अनमोल अभी के पापा की एक जोड़ी कपड़ा से, एक जोड़ी अभी की, एक जोड़ी अनमोल के, तो तीनों जन के उनके कपड़ा सेट कर दे। और बस अब आ गए हम अभी के पास छत में, तो अभी ने हमें काम पकड़ा था, कह रहे मम्मी हमारी गिरदिया पकड़ लो छत में, थोड़ी हल्की सीत टाइप की है अब तो गिली गिली सी है, तो हमारा मंजा ख़राब हो गया, हमने कही चलो ठीक है। तो अभी के साथ हम भी इंजॉय कर रहे, अनमोल भी है, ये तीन ले आए थे हम लोग चाय, तो चाय पी ली थी। आज बैठे सन्नाटे में, लाइट नहीं आ रही, बादल गरज रहे, बिजली चमक रही, पानी बरस रहा, सब आफत है। और लाइट तो इतनी बार आ रही जा रही आ रही जा रही, जैसे तैसे थोड़ी नाटक देख रही थी, इन्वेटर से तो डेस्क से ही चली गई। और तो अब प्रसाद के लड्डू रखे थे तो अनमोल ने, अभी ने इनके पापा ने खा ले, और चटनी रखी टमाटर की, मूंग की दाल, और रोटी गरम गरम बना दे हैं, और इतनी तेज आवाज़ आ रही पानी की, जैसे मतलब बरसात में ही मौसम ख़राब हो जाती एकदम से, और बरसात में झेर सी लगी रहती, मतलब बरसते रहे पानी ऐसे आ रहे, दो पापू आ रहे, तो ऐसी झेड़ सी लगी, मतलब थोड़ी बंद हुई पानी फिर बरसने लगा। और अभी की मेहनत में तो आज पानी फेरेगा, बेचारे अभी ने कितनी कम से कम 20-25 मिनट छत साफ करी, गए अभी ने छत साफ करी, बहुत अच्छे से सूख गई, और थोड़ी देर भैया गए तो फिर से पानी बरसने लगूँ। अभी कह रहे थे अगर अब पानी बरस हुआ तो हम बहुत गुस्सा आया, तो गुस्सा आया चाहिए पानी तो बरस ही। और बस अनमोल लेटे हैं, कैसे लाइट आ नहीं रही और मौसम ख़राब है, और थोड़ी शाम हो गई अंधेरे से होगा तो समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा, तो फुर्सत से सब लोग घूम रहे लेकिन टाइम भी पास नहीं हो रहा, काम भी कुछ नहीं समझ में आ रहा। और आज थोड़ी बड़ी बिंदी लगा ली हमने, और ऐसे चुटकी में सिंदूर ले गए, ऐसे बनियाद ना आज हमने पैसे मांग भरी थी, थोड़ी मोटी हो गई। और आप लोग आज को वीडियो कैसे लगो कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक शेयर कर दइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लइए, कल तक के लाना, राम राम।